हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ऐसी कंपनी जो गलती से चालू हो गई थी, आज उसके 400 से भी ज्यादा शोरूम है, 240 से भी ज्यादा शहरों में अवेलेबल है, तो आप क्या मानेंगे? इस कंपनी में अगर आपने 1,00,000 रुपए डाले होते तो आज उसकी वैल्यू 6 करोड़ रुपए होती। जो कंपनी 150 करोड़ के घाटे में चल रही थी, इनफैक्ट बंद होने वाली थी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि लास्ट ईयर उनकी सेल 22,000 करोड़ से भी ऊपर चली गई। ये वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि कैसे एक कंपनी बड़ी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बारे में। आपने टाइटन का तो नाम सुना ही होगा। आप कंफ्यूज है कि टाइटन तो घड़ियां बनाती है, ये कब से ज्वेलरी बनाने लग गई? लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, टाइटन की शुरुआत ही 1984 में। ये जो घड़ी बनाते थे उसमें जो भी इक्विपमेंट लगते थे वो हमेशा बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, और इंपोर्ट करने के लिए इनको चाहिए होता था डॉलर। अब डॉलर्स ये इंडियन गवर्नमेंट से एक्सचेंज करके बाहर से इक्विपमेंट इंपोर्ट करके अपनी घड़ी बना के बेचा करते थे। यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1990 में अमेरिका और इराक का युद्ध होता है ऑयल को लेकर, जिससे ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है और इंडिया पूरा ऑयल इंपोर्ट करता था, जिसके लिए उनको डॉलर की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे हमारी सरकार ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि भाई डॉलर्स की हमें अभी सख्त जरूरत है, और सारे प्राइवेट कंपनियों पे रूल लगा दिया कि आपको सरकार डॉलर नहीं देगी, आपको जो भी डॉलर का इंतजाम करना है आप अपने भरोसे खुद से इंतजाम करिए। अब यहाँ पे टाइटन की हालत खराब हो जाती है। अब टाइटन बेचारा वो तो सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट करके ही मंगाता था, तो ऐसे में क्या किया जाए? टाइटन सोच में पड़ गया कि इन घड़ियों को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है उसके लिए चाहिए डॉलर। अब डॉलर का इंतजाम कहां से होगा? टाइटन ने ध्यान लगाया कि उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट में यूरोप और अमेरिका साइड में घड़ियों की दुकान के साथ साथ ज्वेलरी भी बिकते हुए देखा है। तो टाइटन ने कहीं ना कहीं इंडियन जुगाड़ लगाया। टाइटन ने सोचा कि क्यों ना हम ज्वेलरी इंडिया में बना के वहां वेस्ट साइड बेचे, जिससे कि डॉलर जनरेट होगा, और उसी डॉलर से उस घड़ियों का इक्विपमेंट खरीदेंगे और इंडिया में घड़ी बना के हम बेच सकते हैं। अब 1991 में लिबरलाइजेशन आया, जिससे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां इंडिया में आके अपना माल बेचने लग गई, और टाइटन को बोला गया कि अब आपको डॉलर बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन सरकार से ले सकते हैं। लेकिन टाइटन ने यह सोचा कि अब हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में कर ही दिया है, और साथ ही साथ हमारे लेबर इक्विपमेंट सब कुछ रेडी है, क्यों ना हम ज्वेलरी का बिजनेस कंटिन्यू करें। इनफैक्ट वेस्ट यूरोप अमेरिका के जगह क्यों ना ये ज्वेलरी हम इंडिया में ही बेचें। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पे आके कारोबार कर रही है, तो क्यों ना हम भी यहां पे कारोबार चालू करें। और उन्होंने अपना यहां पे एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है तनिष्क। शुरू में तनिष्क काफी लॉस में था, इनफैक्ट उनका लॉस पिछले 5 सालों में 150 करोड़ के ऊपर जा चुका था, और ये कंपनी बंद करने वाले थे। जब इन्होंने मैकेंजी को कंसल्ट किया तो उन्होंने भी यही राय दी कि ये कंपनी उनको बंद कर देनी चाहिए। तनिष्क ने जब रिसर्च किया तो रिसर्च में उनको कुछ कारणों का पता चला। पहला, इंडिया में लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं, और यही कारण था तनिष्क के ना चलने का। लोग जनरली जो इंडिया में सोना लेते हैं वो अपने ट्रेडिशनल सेलर से ही लेते हैं, जहां पे उनके पापा, चाचा, दादा, मम्मी ये सब लिया करते थे। हर एक का एक फैमिली ज्वेलर होता है, और यही कारण है कि कोई भी तनिष्क में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबके अपने फैमिली ज्वेलर फिक्स थे। दूसरा, यहाँ पे लोगों को 22 कैरेट का सोना चाहिए, और तनिष्क ज्यादा से ज्यादा डिजाइन बनाने के चक्कर में 18 कैरेट का सोना बनाता था, जिससे कि कोई भी तनिष्क में जाना नहीं चाहता था। अब तनिष्क समझ गया था इंडिया की प्रायोरिटी, और अब तनिष्क दिमाग लगाता है और कर लेता है 3 ऐसे चेंजेस जिससे कि तनिष्क की लाइफ बदल जाती है। पहला, कैरेट मीटर। तनिष्क अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया में कैरेट मीटर सेटअप करता है, और ये अनाउंसमेंट करता है कि आप लोग फ्री में आके अपने सोने की प्योरिटी मेरे तनिष्क के कैरेट मीटर में चेक कर सकते हैं, और आप ये अपने सामने देख सकते हैं कि आपका सोना कितना खरा है। अब होना क्या था, फ्री की बात सुन के लोग आने लग जाते हैं और अपने सोने की प्योरिटी चेक कराते हैं, और ये पाते हैं कि उन्होंने जहां जहां अपना सोना बनवाया वहां वो लूटे गए हैं,
उनके फैमिली ज्वेलर ही उनको लूट रहे थे। उसमें इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस ना होने के कारण कितने फैमिली ज्वेलर जो ऐसे थे वो 22 कैरेट का सोना बोल के 18 कैरेट का भी गोल्ड देते थे। इनफैक्ट हद तो तब हो गई थी जब 16-16 कैरेट के भी गोल्ड निकल रहे थे। उस समय इंडियन गवर्नमेंट की इस मार्केट में कंट्रोल ना होने की वजह से लोग काफी गलत सोना ले रहे थे। जब लोगों को ये पता चला कि वो अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर द्वारा ठगे गए हैं तो उनको चाहिए था कोई नया ज्वेलर। दूसरा चेंज, तनिष्क अपने हर एक गोल्ड के साथ टैग लगाता था जहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग से उन्होंने मार्किंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हर एक टैग में कितना ग्राम सोना है, कितना ग्राम स्टोन है, कितना ग्राम क्या है, हर एक की अच्छे से डिटेलिंग लिखी रहती थी, जिससे लोगों का ट्रस्ट और बढ़ गया और धीरे धीरे लोग वहां से सोना खरीदने लग गए। तीसरा चेंज, 30 के जगह 22 लेगा। तनिष्क ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर आपका पुराना ज्वेलर आपको 22 कैरेट के जगह 20 कैरेट का सोना बेच के गया है तो आप हमारे पास आइए और 20 कैरेट का गोल्ड दीजिए, उसके बदले में हम आपको 22 कैरेट की ज्वेलरी देंगे। 22 कैरेट की ज्वेलरी मतलब 20 कैरेट का लेके जाओ और 22 कैरेट की ज्वेलरी लेके आओ। अब ये कैसे होगा, तनिष्क 2 कैरेट सोना लॉस क्यों लेगा? इसे कहते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। उस समय उबर और ओला काफी हद तक कस्टमर एक्विजिशन में पैसा स्पेंड कर रहे थे, तो यही आइडिया अपनाया तनिष्क ने। क्या होता है कि ज्वेलर कोई भी चेंज नहीं करता है, एक बार आपका भरोसा उस ज्वेलर पे बैठ जाए तो आप हमेशा वही से ज्वेलरी बनाते हैं, और इसी का फायदा उठाया तनिष्क ने। तो तनिष्क ने 20 कैरेट लेकर 22 कैरेट का सोना बेचना चालू कर दिया, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट और बढ़ गया कि वो इतना प्योर है। अब तनिष्क धीरे धीरे बड़े बड़े स्टोर्स खोलने लग गया। उन्होंने सबसे बड़ा स्टोर 20,000 स्क्वायर फीट का चेन्नई में खोला, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, और दूसरा स्टोर मुंबई के अंधेरी में 25,000 स्क्वायर फीट का खोला, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लग गए। इनफैक्ट उन्होंने ये देखा जो छोटे छोटे 2000 स्क्वायर फीट के 10 स्टोर है उनके, उससे कई ज्यादा सेल 20,000 स्क्वायर फीट का अकेला एक स्टोर कर रहा है, जिससे उनकी डिमांड और बढ़ती गई। अब तनिष्क यहाँ पे मार्केटिंग पे खर्च करता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से लेके काजोल तक को साइन किया। इनफैक्ट आपने लेटेस्ट तनिष्क का कंट्रोवर्शियल एड भी देखा होगा, जिसे उन्होंने तुरंत हटा दिया था। अब तनिष्क काफी फिल्मों के साथ टाई अप करता है, जैसे कि जोधा अकबर, पद्मावती, जहाँ पे बहुत ही ग्रैंड ज्वेलरी यूज होती है, और इससे बढ़ता है लोगों का ड्रीम ज्वेलरी लेने का सपना, जो कि तनिष्क दिखाता है। अब ये सब के लिए चाहिए पैसा, और ये सारी ज्वेलरी लाखों के ऊपर की आ जाती है। तो भाई मिडिल क्लास लाख के ऊपर की ज्वेलरी कैसे जुगाड़ करे? तनिष्क यहाँ पे लेके आता है अपना एक धासु आइडिया। उस आइडिया का नाम होता है गोल्डन हार्वेस्ट। ये तो आपने सुना ही होगा। हर महीने 11 महीने तक 10,000 रुपए जमा करता रहेगा और फाइनली 12वें महीने में उनको 1,20,000 की ज्वेलरी मिलेगी। ये था उनका एक धासु आइडिया। फिर ये अलग अलग क्लासेस को टारगेट करने लग गए, जैसे कि जोया डिजाइन। अब 75,000 के ऊपर की ज्वेलरी वो आती थी जोया डिजाइन में, जिसके डिजाइन्स भी काफी अलग थे। अब इन्होंने सोचा कि भाई हमने एवरेज क्लास को तो टारगेट कर ही दिया है, अच्छे क्लास को भी टारगेट कर दिया है, अब एक ऐसी क्लास ढूंढी जाए जिससे कि बहुत ज्यादा सेल होगी, और इन्होंने पाया कि वो थी शादी की क्लास, एक वेडिंग क्लास। भाई इंडिया में 50% से भी ज्यादा ज्वेलरी जो बिकती है वो बिकती है शादियों में। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि शादी को लेके अलग अलग कल्चर के हिसाब से हम ज्वेलरी बनाएंगे, जैसे कि बंगाल के लिए बंगाली डिजाइन, गुजरात के लिए गुजराती डिजाइन, मारवाड़ी डिजाइन जो कि राजस्थान में बहुत चलती है, इनफैक्ट तमिलनाडु में लक्ष्मी जैसी डिजाइन। ये बहुत ज्यादा हिट फॉर्मूला रहा इनके लिए, और देखते ही देखते तनिष्क इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।